डीएनए की संरचना दिखाई गई। लॉर्ड सीधे हमले चलते हैं लाल किले पे। तो चलो इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी एक्सप्रेशन बदलता। गेंद की गति बॉलिंग अरे यहाँ से आप आवाज कितना तगड़ा है। आदि मानव से कैसे इंसान बनता है। ये भाई भी स्माइल कर रहा है, इसकी स्माइल जरा थोड़ी घातक हो चुकी है। देखिए 3D शो Genesis of Russia. The temperature is just right to have liquid water. A little bit closer to the sun, you are too hot, and you will have gas. If you are a little bit too far away, it's too cold, you have liquid. ये सब था यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर का जो भी था पूरा साइकिल वाटर साइकिल कोस्टल एरिया कौन सी फिश कितनी समुद्र थल में रहती है फिशेस मतलब बहुत सारी चीज़ें थी हैं जो कि अगर साइंस से प्रेम करता तो वो ये चीज़ें आके देखेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा ये जगह। अब हम लोग चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर देखते हैं कि वहाँ क्या है। चलो DNA इज द शेयर्ड अमॉन्ग स्पीशीज। DNA की संरचना दिखाई गई है बहुत ही सही। और यहाँ पे बायोस्कोप चल रहा है। ये क्या है बायोस्कोप। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों को राइबोसोम्स सिप साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस गॉल्गी एपैरेटस मतलब पूरी बायो का ज्ञान आपको यहीं मिल जाएगा। पूरी की पूरी बायो यहीं पढ़ाई गई है। लार्जर मॉलिक्यूल्स बेसिक मॉलिक्यूल्स बेसिक एटम्स जंप कूदो। क्या गेंद की गति बॉलिंग स्पीड बॉल कहाँ है। लेकिन ये माउंटेनियर्स के लिए छोटा सा चढ़ने के लिए ये सब देखिए खेल कूद की पूरी सामग्री। ओहो भाई साहब आर्म रेसलिंग ये देखिए मैं थोड़ी देर पंजा लड़ा था उससे। अपना सामर्थ्य जाके चेक योर एंड्योरेंस कृपया करके और मोटे हो जाएं। से मेक सम नॉइस। हाँ भाई इसकी आवाज़ 77 हो गई लेकिन ये समझ में नहीं आया क्योंकि इसका रीसेट नहीं हुआ था जीरो नहीं हुआ। मानव आचरण ओहो बीइंग ह्यूमन। सबसे पहले आप देखिए हमारा दिमाग कितना तगड़ा है और कितना भारी हो चुका है हमारा दिमाग। ये सब मेमोरी इकट्ठी कर करके जिले जितना खोज सकें पता नहीं फिर अपने आप को ढूंढ पाएंगे आपकी नहीं। और ये देखिए
आदि मानव से कैसे इंसान बनता है धीरे धीरे देखिए। ये हो रहा है लोड, क्या होता है देखते हैं। लोडिंग, लुक एट द एनिमल्स केयरफुली एंड ट्राई टू रिमेंबर। शेर, डॉल्फिन, हाथी, बंदर, चमगादड़, भालू, सांप, हिरण, ये देखिए। सोशल कस्टम्स, आपको सीधे सीधे हम ले चलते हैं लाल किले पे। ये कहाँ दिल्ली जाके घूमोगे, यहीं घूम लो। और ये देखिए आप, बहुत ही अच्छे घर सजा रखे, पूरी कॉलोनी बसी हुई है। इधर आएंगे तो हमारे पास है ये पार्क, बहुत ही सही। ये बंदा रो रहा है, पता नहीं क्यों, वाई। ओहो, तुरंत हंसने लग गया। इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये एक्सप्रेशन बदल रहा है। देख लो, इस बंदे को कतई शर्म नहीं आ रही, एक्सप्रेशन बदल ही जा रहा है हर सेकंड में। रोड वेटिंग फेसेस था ये, दैट वॉज जस्ट फॉर फन हाउ ग्रुप वर्क्स। भाई साहब, हमसे ज़्यादा क्या जानते हो, ग्रुप में ही नौकरी चल रही है अपनी। ब्रेकिंग द बैरियर्स, जेंडर बायस ऑफ कम्युनिटी। तो लगभग हमने इंसानी दिमाग घूम लिया है, अब यहाँ पे कुछ ऐसा खास बचा नहीं है घूमने को। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अब जो मानव अधिकारी वाली बिल्डिंग थी वहाँ से, दिमाग वाले से, उस सेकंड फ्लोर से ही बाहर के लिए रास्ता दिया हुआ है। तो हम लोग सेकंड फ्लोर से ही अब ये इस रास्ते से निकल रहे हैं, कोई दूसरी बिल्डिंग है उसकी तरफ। वहाँ पे क्या है, अरे कोई पार्क है भाई साहब, और कोई जानवरों का पार्क है। मतलब ये क्या है, प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क। ठीक है भाई साहब, बहुत तगड़ी अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ आजकल मैं, तो आपको प्री हिस्टोरिक लाइफ पार्क दिखाते हैं। चले रहो, मास्क यहाँ पे बहुत ही कंपलसरी है। एक तो वैसे ही लखनऊ आए हैं अपने शहर से दूर, तो मास्क तो वैसे ही ज़रूरी, और इस टाइम केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए सतर्कता ही बचाव है। तो चले रहो, चलिए। महाबिच्छू, मतलब बिच्छू भी नहीं, महाबिच्छू। जैसे पुरुष नहीं महापुरुष, ऐसे ये बिच्छू नहीं महाबिच्छू। महाबिच्छू के बाद जमीनी बिच्छू, ये अपना सिंपल सादा वाला बिच्छू जिसे हम सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये कि छोटा सा प्राणी, छोटा, वेरी छोटा प्राणी, मतलब छोटे से भी बहुत छोटा, ब्रैकियोसॉरस, मतलब डायनासोर की ही एक प्रजाति, साइनोग्नेथस। देख लीजिए कितना, वैसे तो क्यूट सा लग रहा है। ओए, ये हवा में क्यों उठा हुआ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, मिलेगी तो बताएंगे। वैसे तो टूट, ओहो, इसके इधर पेट भी होता है शायद, या इसके अंदर थैली होती है बच्चों वाली, सेम वही चल रहा है। ये है स्टेगोसेरस, ये देखिए, कितना प्यारा लग रहा है भाई। ये भाई का नाम है कोरिथोसोरस, ठीक है। और ये अपना है मोइरिथीरियम, बड़े रहो बनाते रहो। टाइम हमारा काफ़ी हो चुका है लेट, हम लोग बहुत फास्ट अप कर रहे हैं जो भी काम कर रहे हैं। और भाई ठीक ठाक हाल चाल, बढ़िया, कूदना नहीं। ये है एंकिलोसोरस, अरे हवा में उड़ रहे है भाई साहब, तुम जमीन पे रहो। ये है टेरोनोडॉन, लियोडॉन है ये तो, पहले से ही डॉन है आदमी। और भाई हमारा, ये हमारा देखो सबसे क्यूट किंग कॉन्ग, इधर ये छोटा वेलोक्री
क्या है, वेलोसिरेप्टर, वेलोसिरेप्टर एंड देन हेयर प्रोकोंसल एप यानी कि किंग कॉन्ग। ये देखिए कितना मस्त। मेगाथीरियम, शक्ल तो इसकी बिल्कुल डायनासोर वाली है पर है ये किंग कॉन्ग, पता नहीं क्या है। आइटम समझ से परे अपने। इधर बर्ड्स, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बारहसिंगा, हिरण, कुछ भी कह सकते हैं। चलो स्माइलोडॉन, ये देखिए स्माइल करता हुआ डॉन, स्माइलोडॉन, ये भाई भी स्माइल कर रहा है। इसकी स्माइल ज़रा थोड़ी घातक हो चुकी है, तो थोड़ा और आगे बढ़ो। दिस इज ग्लिप्टोडॉन, लीजिए ये तो उदास है भाई हमारा, ये नहीं हंस रहा। वूली राइनोसेरस, घने बालों वाला गेंडा, ठीक है भाई साहब, बहुत ज़्यादा बाल है इसके। इधर तो अपना जो मैमोथ होता है, दिस इज दैट मींस हाथियों का महाहाथी मैमोथ। एंड हेयर मस्क ऑस्क, बैल सुनी होगी ऑस्क, ये है कस्तूरी बैल, मस्क ऑक्स, बहुत ही सही, बहुत ही बढ़िया, आकर्षक। क्रो मैग्नन मानव, नियंडरथल मानव, होमो इरेक्ट्स, होमो हैबिलिस एंड ऑस्ट्रेलोफिथेकस। बहुत तगड़े तगड़े नाम हैं, जबान कतई लड़खड़ा गई। ये देखिए ये क्या है, नियंडरथल मैन, ओके, आहा, बाहुबली, वाह भाई वाह, जली जली तेरी ला जली, जियो रे बाहुबली। अब बढ़ते रहो आगे, और महाबिच्छू का हालचाल, सब बढ़िया भाइयों। बहुत सारी बिल्डिंगें तो हमने निपटा दी हैं, कि हमने पार्क निपटा दिया, हमने अंदर का साइंस वाली बिल्डिंग निपटा दी, हमने उससे बाहर वाले जो टेक्नोलॉजी वाले झूले थे वो निपटा दिया। अभी भी हमारे बब्बू भाई ने हमें बताया कि अभी एक बिल्डिंग और रह रही है, और यहाँ पे 12:30 बजे जो 3D शो होता है उसका हमने टिकट नहीं लिया, उसका टिकट अलग से लगता है, उसका प्राइस मैं आपको शेयर कर दूँगा, लेकिन वो हमने लिया नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं था देखने का। हमने सोचा नहीं था कि हम 12:30 बजे तक यहाँ पर टिक पाएंगे, लेकिन अब तो बज चुका है एक से भी ऊपर हो गया है, और अभी तक हम यहीं हैं, पूरा घूम ही नहीं पाए हैं। मतलब इस छोटी सी जगह को घूमने के लिए भी पूरा पूरा दिन लग सकता है, अगर आप आ रहे हैं घूमने, कम से कम नहीं तो 3 से 4 घंटे निकाल के मान चलिए कि अगर आप सही से घूम रहे हैं। और अगर आपको साइंस में दिलचस्पी है, कुछ देखना है जानना है, तो वो जल्दीबाजी में नहीं होगा, हमने तो फिर भी काफ़ी जल्दबाजी की, लेकिन आप अगर इत्मीनान से देखेंगे समझेंगे चीज़ों को तो टाइम काफ़ी लग सकता है। हाँ जी साहब, अब बिल्डिंग कौन सी रह रही है, अब हमारे बड़े भाई पीछे बब्बू भाई साहब ये बताएंगे हमें कि अब हमारी कौन सी बिल्डिंग अभी रह रही है जहाँ हम जा सकते हैं, अगर आधे घंटे में घूम के फटाफट निपट पाए तो ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है बहुत, वापस भी जाना है और उसे भी काम पे जाना है। चलो तो दोस्तों, अब प्लान बना है कि नहीं घूमेंगे तीसरी बिल्डिंग, क्योंकि वो निकली है ये पीछे हमारे कैफेटेरिया। वैसे तो आंचलिक विज्ञान नगरी लिखा हुआ है, शायद कुछ ना कुछ होगा अंदर, लेकिन कैफेटेरिया है ये मेन, कि यहाँ पे खाना पीना आपको मिल जाएगा। तो शहीदों की नगरी से निकल के नवाबों के शहर का भ्रमण पहला दिन हमारा हो गया है आज कंप्लीट, क्योंकि अब जाके बैठना है अपनी नौकरी पे, फिर कल कोई दूसरी जगह दूसरा व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग विक्रांत व्लॉग्स, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी हंसते रहो मुस्कुराते रहो एंड अपना ध्यान रखो, बाय।